यहाँ पर देखिए इसे हमने 20 मेगा ओम पे किए हैं, और यहाँ पर हम सबसे पहले इस जगह को चेक करते हैं जहाँ पे सीकेवी लाइन हमारा स्टार्ट होता है। एक पॉइंट छोड़कर दूसरे पे आते हैं जहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब 6 वाले जगह पे हम प्रॉप को लगाते हैं और फिर यहाँ पे दूसरे सीकेवी वाले लाइन पे देखते हैं। देखिए 0 पॉइंट कितना दिखा रहा, 42। इस रेंज को और कम करते हैं, फिर यहाँ पे प्रॉप को लगाते हैं, फिर हमारा ये 55 यानी 55.7 किलो ओम दिखा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम यहाँ पे, ये कोई भी यहाँ पे हम फिर आगे दिखाते हैं। यहाँ से देखिए यहाँ जैसे ये पॉइंट छोड़कर CKV1, तो CKV1 ये है, फिर CKV2, ये देखिए इसमें ओपन लाइन दिखा रहा है। फिर यहाँ पे हम 20 मेगा ओम, टू पॉइंट थ्री मेगा ओम के आसपास दिखा रहा है। फिर हम नेक्स्ट आते हैं 1.6, फिर हम नेक्स्ट आते हैं 0.42। अब हम 200 के रेंज पर देख लेते हैं। इधर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं CKV1, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ हुआ। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कोई भी लाइन CKV तक, यहाँ पर देखें, यानी ये जो यहाँ पर दिखा रहा है के में। अब यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे ये IC नहीं लगी हुई है। नेक्स्ट 1 2 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे 55 के दिखाई दे रहा था, अब देखिए यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब जो भी यहाँ पे रेजिस्टेंस शो कर रहा है, चाहे मेगा ओम में चाहे के में, तो ये जो आप देखे हैं 200 के जो समथिंग यहाँ पे जो 55 के रेजिस्टेंस दिखाया है, वो एक्चुअली यहाँ पे इस IC का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे हमने इस IC को रिमूव कर दिया है, तो इसलिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस शो नहीं कर रहा है। चाहे आप इधर से कोई भी लाइन को देखें, या चाहे आप इधर से भी कोई लाइन को देखें, यहाँ से देखें, चाहे मेगा ओम में देखें, ठीक है, अगर हाथ ना लगाएं यहाँ पे, तो कोई भी यहाँ पे इंडिकेशन नहीं देगा, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक। अब हम आ जाते हैं इस एनालॉग मल्टीमीटर से। इस एनालॉग मल्टीमीटर में हम इसे 1 के रेंज में रखते हैं, इसे हम 10 पे कर देते हैं और इसे 0 पे सेट करते हैं। देखें ये जैसे मैंने सेट किया 0 पे, अब हम ये जो IC लगी है यहाँ पे, हम CKV लाइन को चेक करते हैं। अगला ये पॉइंट छोड़ के नीचे वाले से यहाँ से स्टार्ट करते हैं CKV1, यहाँ पे लिखा हुआ है CKV1, ठीक है। इस पॉइंट पे रखते हैं ब्लैक वाला प्रॉब, देखिए, फिर दूसरे पे रखते हैं, फिर तीसरे पे रखते हैं, फिर चौथे पे, फिर पांचवें पे, फिर छठवें पे, ठीक। अब ये सारा रेजिस्टेंस जो शो कर रहा है, हम नेक्स्ट आ जाते हैं इस पे जहाँ पे IC नहीं लगी है, इसको हटा देते हैं। CKV लाइन ब्लैक प्रॉब लगाते हैं यहाँ, और नेक्स्ट देखिए कोई भी रेजिस्टेंस, ये हाथ से जो टच है वही दिखा रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर देखें, यानी ये CKV लाइन के बाद यहाँ पे CKV2
फिर उसके बाद यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी रेजिस्टेंस शो नहीं किया। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो यहाँ पे दिखा रहा है बिना पैनल के बिना कफ के, वो है इस आईसी का रेजिस्टेंस जो हमारा 55 के यहाँ पर दिखाया है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि इसके जो इंटरनल ग्लास एरिया का रेजिस्टेंस है, जब आप यहाँ से इसे कट करेंगे यानी पैनल का जो ट्रैक है वो अलग होगा इस सोर्स पीसीबी से, तो वहाँ पे जो हमने बताया था कि कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, तो मैंने उस लाइन का बात किया था कि वहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अब ये रेजिस्टेंस की जो कि कितना रेजिस्टेंस बताता है यानी शॉर्ट सर्किट में या कितने तक है इसका पोजीशन क्लियर करना, वो हम अगले वीडियो में समझते हैं फिर और भी डिटेल से। फिर ये मैं भी मल्टीमीटर का भी वीडियो बनाना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।